हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब, मैं अपने चैनल कुकिंग फूड गुड आइडिया गुड वर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए एक मीठी और हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने कढ़ाई को गैस पे जला दिया है और ये मेरे चने के दाल है जिसको मैंने रात में भिगो दिया था और उसके बाद इसके सारे पानी निकालने के बाद मैंने इसे कुकर में 2-3 सीटी लगा लिया और दाल के साथ साथ मैंने थोड़ी चीनी भी इसमें डालकर कुकर में सीटी लगाया। ठीक है, आप देखो दोस्तों, मैं इस कढ़ाई में पहले घी डालूंगी। आप इसे, लेकिन इससे पहले मैं इलायची को क्यों इसमें डाल दी थी, क्या मतलब? ये मैं 3-4 इलायची को गर्म कर रही हूँ ताकि इसके पाउडर बनाने में आराम से थोड़ी गर्म हो जाएगी तो बहुत अच्छे से इसका मैं चकले पे इसको मैं चूर लूंगी। ठीक है, आप सभी बनाते हो दोस्तों, कैसे बनाते हो आप सब चने की दाल की ये हलवा, आप सब मुझे कमेंट करके बताना और मेरे तरीके से भी एक बार जरूर बनाना दोस्तों। सिंपल लेकिन काफी टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी है। ओके, अब मैं इसमें शुद्ध घी डाल दिया है 3-4 चम्मच, मैंने इसमें शुद्ध घी डाला है। अब इसके अंदर मैं कुछ नहीं, घी में ही एक ये सारे दाल को इसको 5-10 मिनट, क्योंकि मेरी दाल तो पकी हुई है, बस इसे घी में भूनना है दोस्तों। और उसके बाद कि मैं क्या क्या इसमें ऐड करूँगी और कैसे कैसे ऐड करूँगी वो आप प्रोसेस देखो, देखो मैं दिखाती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। आप मेरे वीडियो को कोशिश तो करती हूँ कि छोटी ही वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग मेरे वीडियो को देखो, पूरी वीडियो देख सको दोस्तों। अब मैं इस इलायची को चकले पे इस तरह से मैंने इलायची को अलग अलग कर लिया है। देखो, और ये
गर्म हो गई मैंने अब इसके बाद मैं इसमें नहीं किया दोस्तों, फ्रिज में रखी हुई थी। मैं इसको निकाल कर इसे हाथों से ही मसल कर चूर लेती हूँ और मैं इसमें ऐड करूँगी। आप इस तरह से भूनते समय जब इसकी पानी जैसे जैसे सूखेगी आप ऐसे ऐसे इसको मैंने इसे नहीं पीसा है न कुछ किया है दोस्तों, सिर्फ रात में ही भिगो दिया था। उसके बाद मैं इसे कुकर में पूरी चीनी हल्की चीनी देकर मैंने थोड़ी पानी डाला था, दूध भी नहीं डाला था दोस्तों, क्योंकि दूध डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भून नहीं पाऊंगी, पकने लगेगी, इसलिए मैंने इसमें दूध नहीं थोड़ी पानी देकर, क्योंकि दाल तो पूरी तरह से पकी हुई थी इसलिए मैंने इसमें दूध नहीं डाला। ये भूनते भूनते खुली सारे चने के दाल पीसने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये थोड़ी पककर बिल्कुल हलवे के फॉर्म में ये हो जाएगी, लेकिन इसको भूनना जरूरी है दोस्तों। इसलिए थोड़ी घी आप चाहो, मैं थोड़ी कम घी में बना रही हूँ, आप चाहो तो इसमें इतनी घी डालो कि ये आपको जैसे आप सब्जी वगैरह में ज़्यादा तेल डालते हो तो पकती है क्या चुन 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 आवाज होती है, उस तरह से इतनी घी होनी चाहिए कि वो लगे कि पक रही है, आपको दिखे घी उसका। और अब मैं थोड़ी ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। आप चाहो तो इसमें ज्यादा भी ड्राई फ्रूट्स डालोगे तो अच्छी बात है, आप कितना, अब ये नहीं है दोस्तों कि आप जितनी हलवा है उससे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मेरी देखो दोस्तों मेरी दाल थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो गई है, हल्की हल्की, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ये भूनने वाली टेस्ट कर, इसकी दाल की टेस्ट नहीं रहे दोस्तों, इसीलिए इसको थोड़ी भूननी जरूरी होती है, ठीक है। अब इसके मैं सारे ये मैंने जो खोआ रखा है दोस्तों इलायची के साथ
एक खोआ को डाल देती हूँ और इसमें चीनी भी ऐड करना है। चीनी आप जितनी मीठी पसंद करते हो दोस्तों, उसके अनुसार मैं हल्की ही चीनी डाल रही हूँ। मैंने 50 ग्राम डाला होगा। अब गैस को, गैस का फ्लेम मैं कम कर दूंगी और फिर मलाईदार दूध को डाल देती हूँ और इसको सबको साथ में पका रही हूँ। इसको मैं देखिए, ये जब पकने लगेगी तो ये ऊपर कुछ ज्यादा ही उड़ेगी दोस्तों, इसलिए मैंने इसे ढक दिया है। आप चाहो तो इसमें कलर भी डाल सकते हो दोस्तों, ऑरेंज कलर जो होती है मिठाई में डालने वाली, आप उसे भी डाल सकते हो। मैं भी इसमें एक चुटकी नहीं, बस दिखाते हैं दोस्तों कितनी। ये देखो दोस्तों, बस इतनी ही मुझे इसमें डालनी है ताकि इसका कलर फिर चेंज हो जाए। आप चाहो तो केसर, आपके पास हो तो आप केसर भी दूध में घोल कर डाल सकते हो। एक हलवा, देसी हलवा है दोस्तों, देसी स्टाइल में। मैंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डाला है, बस सिंपल चने दाल और खोआ का हलवा तैयार हो रही है दोस्तों। मैं लगातार अगर इस तरह से चलाती रहूंगी तो ये ऊपर नहीं उड़ेंगे। तो दोस्तों अगर छोड़ती हूँ तो देखो कितने, क्योंकि अभी पकने तैयार हो रही है इसलिए मैं थोड़ा ढक ही देती हूँ। रिक्स नहीं लेना चाहिए दोस्तों। मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी धो लेती हूँ, मैं भून कर नहीं डालती हूँ। ओके, काजू और किशमिश आप चाहो तो, चिरौंजी है, जो आपको पसंद है दोस्तों, आप कोई इसमें ये नहीं है, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हो। मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, अब एकदम बिल्कुल हलवे से फॉर्म में आ जाएगी तो मैं बंद कर दूँगी और उसके बाद आप नाश्ते में आप परोस सकते हो दोस्तों। काफ़ी टेस्टी और हेल्दी, अगर आप खाओ तो आपको महसूस होगी कि हमारे बॉडी में एनर्जी आ गई। एक हेल्दी है ही दोस्तों, क्योंकि सारे हेल्दी आइटम से बने हैं तो हेल्दी तो होगी ही। आप इस तरह से भी इसको करोगे तो अच्छे से सारे जो भी थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए दोस्तों, ये आटे के हलवे जैसे नहीं बनानी है इसको, ये थोड़ी दरदरा ही रहती है तो अच्छी लगती है खाने में, टेस्ट इससे अच्छी आती है। अब ये करीब करीब हलवा रेडी हो गया दोस्तों। मैं थोड़ी ठंडी हो जाती है तो मैं आप सबको सर्व करूँगी। आप सब इस हलवे को जरूर बनाएं, इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ
ये रेसिपी कैसी लगी और मैंने कहीं कोई गलती की हो तो उसे भी आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। ओके, बाय बाय।